Hello guys, subscribe to our channel and hit the bell button icon so you're informed every time our video is up. Till's diary entry, school dropout. Today I got to know something about my uncle. My father and his siblings had grown up in a family where discipline was the key word. An uncle of mine had moved to Jalpaiguri, West Bengal, at an early age. Why did he do that? I asked Ma. Well, once he had failed in his grade 4 exam, your grandfather was called by the headmaster and was informed that he had been rearing animals, plucking fruits from the orchard, and lazing in the sun beside the pond after swimming with his friends who never went to school. He had been bunking school for a long time, and each time he was given a warning and asked to call his father, it resulted in bunking for a few more days, her mother said. How come nobody complained against him at home? I asked. Your father was in high school then, and younger siblings were scared of him, said Ma with a smile. Your grandfather thrashed him in front of his friends and teachers in the school, and he never returned home. She added later on, we got to know that he had gone to Jalpaiguri, where his uncle lived. School dropout is a serious concern. Bahut sare log, thousands and thousands of children become school dropouts. School jana band kar dete hain. Kyun? Sabke alag alag karan hai. Some people due to poverty, some people due to bad grades, some people due to some other reasons, maybe bad company. Ek baar usse maloom pad gaya ki uske chacha school dropout the aur Jalpaiguri chale gaye the. Tab se Dil ek baar apne chacha se milna chahti thi. Usne apni maa se pucha, maa, kya chacha ki shaadi ho gayi hai? Are haan, unhone to love marriage ki hai. लव मैरिज? लेकिन अपने घर में तो लव मैरिज का नाम भी कोई नहीं सुनना चाहता. तभी तो, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज कर ली, इसलिए लव मैरिज एक टैबू वर्ड बन गया हमारे घर में. क्यों माँ, कैसे हुई थी उनकी शादी, कैसे किया उन्होंने लव मैरिज, तिल ये सब जानना चाहती थी. फिर उसकी माँ ने उसे उसके चाचा के बारे में बताया. उसके चाचा ग्रेड 4 में फेल होने के बाद और अपने पिता से अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के सामने मार खाने के बाद जो वहाँ से भागे तो कभी घर वापस नहीं आए. वो जलपाईगुड़ी चले गए जहाँ उनके चाचा रहते थे. जलपाईगुड़ी में उन्होंने अंडरग्राउंड मूवमेंट ज्वाइन कर लिया. इमेजिन सच अ यंग बॉय ज्वाइनिंग द अंडरग्राउंड मूवमेंट. धीरे धीरे वो बड़े होने लगे. जब बड़े हुए तो एक बंगाली लड़की पे उनका दिल आ गया. उन्हें मालूम था कि उनके पिता लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन अभी पिता से क्या लेना देना, वो तो गांव ही नहीं जा रहे हैं. उन्होंने बड़े प्यार से उस लड़की से कहा कि अपने पेरेंट्स से बात करो और उनसे कहो कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं. लड़की ने अपने पेरेंट्स से बात की. लड़का क्या करता है? उसके पेरेंट्स ने पूछा. पता नहीं बाबा, आप ही पूछ लेना, लड़की ने सर झुकाते हुए कहा. ठीक है, एक दिन उसको बुला कर ले आओ, मिल लेते हैं. जब उसके चाचा लड़की वालों से मिलने गए तो लड़की वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो अंडरग्राउंड मूवमेंट से जुड़े हुए थे. अब कौन चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसे घर में ब्याही जाए जहाँ इस बात का ठिकाना ही नहीं हो कि लड़का कब घर आएगा, कब नहीं रहेगा. उन लोगों ने ना बोल दिया. उसके चाचा ने उनके पूरे परिवार को धमकी दी कि अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं की तो कभी किसी से नहीं कर पाओगे. पूरा परिवार इतना डर गया कि उन लोगों ने डर के मारे अपनी बेटी की शादी उसके चाचा से कर दी. एंड दिस वॉज द लव स्टोरी. जब दिल के दादाजी को पता चला कि उनके बेटे ने लव मैरिज कर लिया है, उन्होंने पूरे गाँव में ऐलान कर दिया कि आज दिन से वो मेरा बेटा नहीं है. आई डिसोन माई सन.
और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो इस घर की दहलीज नहीं लांग पाएगा। जब तक तिल के दादाजी जिंदा थे उसके चाचा और चाची ने डर के मारे कभी भी घर में कदम नहीं रखा। उस दिन के बाद तिल या उसके पूरे खानदान में कोई भी लव मैरिज का नाम नहीं लेता था। ये तो रही लव मैरिज अ टैबू वर्ड की स्टोरी। आगे क्या क्या हुआ ये जानने के लिए देखते रहिए विजनरी स्टूडियोज, विजन टू इंस्पायर। टिल देन गुड बाय।